हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सभी को इम्पोर्टेंट जीवन परिचय पढ़ाने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जीवन परिचय पढ़ाएंगे आपको, एक हैंड राइटिंग नोट में पढ़ाएंगे, जिससे आपको एक सिंपल भाषा में जीवन परिचय सिखाया जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ाने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% यही जीवन परिचय आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी का जीवन परिचय पढ़ने से पहले उसका एक संक्षिप्त परिचय आपको आना चाहिए। और फ्रेंड्स, एक बात बता दें कि जैसे आपको जीवन परिचय यहाँ पे लिख के आपको बताए हैं, यदि आप बोर्ड के एग्जाम में इसी प्रकार लिख के चले आते हैं तो आपका जो एग्जामिनर होता है, एक नंबर भी आपका नहीं काटेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, जीवन परिचय का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका जीवन परिचय आपको बताते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आपको क्या करना है कि इसी प्रकार से आप पहले लिखिएगा संक्षिप्त परिचय। यदि आप एग्जाम में संक्षिप्त परिचय लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर इस संक्षिप्त परिचय को देख के ही आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, पहले लिखिएगा नाम। तो फ्रेंड्स देखिए, इनका नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 1890 ईस्वी में हुआ था। फिर इनका जन्म स्थान कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो काशी में है। ठीक है, जैसे लिखे फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप जीवन परिचय को लिखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इनके पिता का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स देवी प्रसाद था। और इनकी शिक्षाएं क्या थी, ये शिक्षा इनकी थी अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत भाषा में ये शिक्षा प्राप्त किए थे। फ्रेंड्स, इसके अलावा इनकी रुचि क्या थी, तो फ्रेंड्स रुचि में देखिए, ये साहित्य में जैसे काव्य की रचना करते थे, नाटक लिखते थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनकी रुचि सबसे ज्यादा काव्य में था, समझ में आ गया। फिर इसके बाद देखिए, आपको लिखना होगा लेखन विधि उनका कैसा था। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जब उनका लेखन विधि आपको देखना है, तो उनका लेखन विधि ये क्या था, कहानी लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, इसके अलावा नाटक और निबंध में वो लेखन लिखते थे। ठीक है, ये कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध लिखते थे। फिर इसके अलावा फ्रेंड्स, उनकी मृत्यु कब हुई थी लिखना है आपको, तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु कब हुआ था फ्रेंड्स, 15 नवंबर 1937 लिखना है। फिर इसके अलावा इनकी साहित्य परिचय आपको लिखना है। देखिए साहित्य परिचय में क्या था उनका, ये छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक थे। फ्रेंड्स, ये जो होता है आपका एक नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाता है कि जयशंकर प्रसाद की साहित्य में कौन सा स्थान था, तो वो था आपका छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते थे। फिर इसके अलावा इनकी भाषा शैली, देखिए भाषा और शैली क्या था इनका, तो देखिए ये भावपूर्ण एवं विचारात्मक इनकी भाषा शैली था। ठीक है, देखिए विचारात्मक, भावपूर्ण और चित्रात्मक क्या था, इनकी भाषा शैली था। फिर इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको लिखना रहता है कि इनका साहित्य में स्थान क्या था। ठीक है, तो प्रसाद जी को हिंदी साहित्य में नाटक को नई दिशा देने के कारण प्रसाद युग का निर्माणकर्ता तथा छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, छायावाद का प्रवर्तक माने जाते थे कौन, जयशंकर प्रसाद जी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इनका एक संक्षिप्त परिचय इस तरह लिखना था। फिर इसके अलावा जो फ्रेंड्स संक्षिप्त परिचय लिखे हैं, उसी को यहाँ पे अब लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, आपको यहाँ पे लिख के बताए हैं कि इनका जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा। डालने के बाद अब उनका जन्म कब हुआ था, उनकी रुचि किस में था, ठीक है, वो कौन सी शिक्षा प्राप्त किए थे, इसे एक वाक्य के रूप में अब यहाँ पे लिख देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था 1890 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, काशी के सुघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सुघनी लिखा है। ठीक है, उनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे आपको लिखना रहेगा कि उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन का सुखमय था। बाल्यकाल में उन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र पुरस्कार, सॉरी दोस्तों यहाँ पे पुष्कर है, उज्जैन, ब्रज तीर्थों की यात्राएं की। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए इसके आगे क्या हुआ था, उनके बारे में लिखना है
कि यात्रा से लौटने के बाद पहले उनके पिता का और फिर 4 वर्ष के बाद उनकी माता का निधन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको लिखना रहेगा फ्रेंड्स कि प्रसाद जी की शिक्षा, दीक्षा और पालन पोषण का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया था। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन स्वयं घर पर ही प्राप्त किया। वे साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते थे और काव्य रचना करते थे। ठीक है, जैसे लिखे हैं फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपको लिखना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद उनके पिता का नाम, फिर उसके बाद उनके मतलब उनके पिता के मरने के बाद उनका लालन पालन पोषण किसने किया था, तो शंभू रत्न जी उनके भाई थे, उन्होंने किया था। ठीक है, फिर उन्होंने शिक्षा कौन कौन सी ग्रहण की, अंग्रेजी उर्दू फिर संस्कृत में उन्होंने शिक्षा कहाँ पर ग्रहण की, तो वो स्वयं घर पर रह के ही शिक्षा ग्रहण किए थे। उनकी काव्य रचना क्या थी, उनकी साहित्य क्या था, इसी को एक वाक्य के रूप में लिखना रहता है। इसीलिए बोले हैं फ्रेंड्स कि आपको क्या करना है कि एक संक्षिप्त परिचय स्टार्टिंग में यदि उतना लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर संक्षिप्त परिचय को देख के ही दे देता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अब क्या हुआ था उनके जीवन में कि पहले तो उनके भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन, देखिए यहाँ पे मन है, ठीक है, मान नहीं मन है, मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तब उन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता उन्हें दे दी। प्रसाद जी का स्वतंत्र रूप से, अब यहाँ पे देखिए काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इसी बीच उनके बड़े भाई शंभू रत्न, ठीक है, उनके बड़े भाई क्या थे, शंभू रत्न, ठीक है, देखिए उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी का निधन हो गया, जिससे घर की स्थिति खराब हो गई। पैतृक जो संपत्ति था बेचने से कर्ज से वो मुक्ति तो मिली, लेकिन अब देखिए फ्रेंड्स उनका क्या हुआ कि क्षय रोग से वो ग्रसित हो गए। अब देखिए क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। देखिए फ्रेंड जितना आपको बोले हैं, देखिए क्या बोले हैं कि पहले आपको उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, फिर उनके पिता का नाम लिखना है, पिता की मृत्यु के बाद उनका लालन और पालन पोषण शंभू रत्न जी ने किया था, फिर उनकी जो रुचि सबसे ज़्यादा मतलब उन्होंने भाषा मतलब शिक्षा कैसी प्राप्त की, तो स्वयं घर पर रह के अंग्रेजी और संस्कृत की भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। फिर उन्होंने जो सबसे ज़्यादा रुचि थी कहाँ पे थी, तो काव्य में रुचि थी, लेकिन उनके काव्य की रुचि में उनके बाधा कौन बनते थे, शंभू रत्न जी। लेकिन शंभू रत्न जी देखे कि जयशंकर प्रसाद जी का ज़्यादा रुचि किस में है, काव्य में, तो उन्होंने उनकी स्वतंत्रता तो दे दी, लेकिन स्वतंत्रता दे कुछ समय के बाद शंभू रत्न जी की मृत्यु हो जाती है और ज़्यादा ऋण होने के कारण वह अपने पैतृक जो संपत्ति था वो क्या किए, बेच दिए। बेचने के बाद वो ऋण से तो मुक्ति प्राप्त कर लिए, लेकिन क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण फ्रेंड्स उनकी जो मृत्यु होती है 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हो जाती है। फ्रेंड्स इसी प्रकार आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे और आप एक दो बार लिखेंगे, ये जीवन परिचय आपको सिंपल भाषा में याद हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखने के बाद अब यहाँ से आपको उनकी रचनाएं, काव्य में कौन कौन सी रचना है, कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, नाटक, ये सभी आपको जैसे लिखे हो फ्रेंड्स हैंड राइटिंग उसी तरह आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। देखिए फ्रेंड्स जो रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की, काव्य कहानी उपन्यास और नाटक आदि सभी विधाएं लिखते थे वो। ठीक है, अब देखिए उनकी काव्य कौन कौन सी थी, आंसू, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि आंसू किसने लिखा, यह बहुविकल्पी में बनता है, जैसे आंसू हो गया, कमायनी किसने लिखा है, लहर और झरना किसे लिखा है, ये सब जितने भी पॉइंट है फ्रेंड्स उनके द्वारा जो काव्य लिखा गया है इसको याद रखिएगा, यही बहुविकल्पी में भी आता रहता है कि आंसू किसके द्वारा या कमायनी किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप आंसू की याद रखिएगा और कमायनी दो कदम याद ही रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स कहानी में उनकी कहानी क्या थी, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि उनकी कहानियाँ उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। तो फ्रेंड्स इसके अलावा देखिए उनके उपन्यास कौन से था, तो उपन्यास में उनके तितली लिखे थे, कंकाल, इरावती। फ्रेंड्स देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम में कंकाल वाला जो प्रश्न है सबसे ज़्यादा, देखिए आपको आंसू आता रहता है बोर्ड के एग्जाम में बहुविकल्पी के रूप में, कमायनी आता है, इसके अलावा
कंकाल आता रहता है। फिर देखिए फ्रेंड्स, नाटक में उन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे थे? चंद्रगुप्त लिखे थे, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, सज्जन, कल्याणी, परिणय, विशाखा, प्रायश्चित। और फ्रेंड्स देखिए, इसके नाटक में आप अजात शत्रु की याद रखिएगा। अजात शत्रु जो होते हैं, जो अजात शत्रु जो दिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ये बहुविकल्पी में पूछता रहता है। देखिए फ्रेंड्स, एक बार और बता देते हैं जो आपके बहुविकल्पी में पूछता रहता है, और इसको जैसे लिखे हैं फ्रेंड्स इसी तरह आप याद भी रखिएगा, और पेपर में इसी तरह लिखना भी है आपको। देखिए, आंसू आपके बहुविकल्पी में बनते हैं, कमायनी बनता है, फिर इसके अलावा इंद्रजाल को भी याद रखिएगा साथ में, इसके अलावा कंकाल हुआ, तितली हुआ, इरावती हुआ, इसके अलावा जो अजात शत्रु हुआ, इन सभी जो बताएं पॉइंट, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुविकल्पी में बनते रहते हैं। और जो यदि जीवन परिचय लिखना होगा तो जैसे लिखें उसी तरह लिखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, उनकी भाषा शैली कैसा था? तो देखिए भाषा शैली फ्रेंड्स देखेंगे तो उसका भाषा शैली विचारात्मक था, चित्रात्मक था, भावात्मक था, अनुसंधानात्मक था, आदि शैली का ये प्रयोग करते थे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इनकी भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियां तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग न के बराबर ये करते थे, यानी मुहावरा का प्रयोग या लोकोक्तियों का प्रयोग या विदेशी जो शब्द है उनका प्रयोग बहुत कम करते थे। ठीक है, अब इसके बाद अगला हेडिंग आप डालेंगे, हिंदी साहित्य में स्थान उनका क्या था। ठीक है, हिंदी साहित्य में स्थान जयशंकर प्रसाद जी का क्या था? तो जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी साहित्य में नाटक को नई दिशा देने के कारण इन्हें क्या कहा, प्रसाद युग का निर्माणकर्ता था, छायावादी युग का प्रवर्तक कहा गया। तो फ्रेंड देखिए, आपको जो संक्षिप्त परिचय बताए थे उसमें ये पूरा इतना लिखा था। ठीक है, संक्षिप्त परिचय आप इसी प्रकार से, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि संक्षिप्त परिचय को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये पॉइंट देखिए, हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान क्या था? सर्वोपरि था। ठीक है, तो आप इनका जो होता है साहित्य परिचय इस तरह एक दो लाइन में लिखना रहता है। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहां देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय था आपको बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखना है, आपको यहाँ पे हैंडराइटिंग नोट के तरह आपको पढ़ा दिए हैं, इसको आप सेम टू सेम इसी तरह लिख के याद कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताते हैं। और फ्रेंड्स, इसको पढ़ाने से पहले आपको बता दें कि आपको प्रत्येक का जीवन परिचय आपको इसी प्रकार हैंडराइटिंग नोट्स लिख के आप सभी को जीवन परिचय पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है आपको प्रत्येक दिन आपको इसका वीडियो अपलोड कर देंगे, आप इसका नोट्स बना के याद कर सकते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट जो जीवन परिचय है जो हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में जीवन परिचय आते रहते हैं, पहला आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी का, सूरदास और तुलसीदास और बिहारी लाल, इन सबका आपको जीवन परिचय याद होना चाहिए, इसी में से आपको बोर्ड के एग्जाम में जीवन परिचय मिल जाएगा देखने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है फ्रेंड्स देखिए, ये जैसा हो गया आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा इसका जीवन परिचय। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको इसी प्रकार का जीवन परिचय का नोट्स चाहिए तो आप क्या कीजिए कि यदि चैनल पर नए हैं तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें।